नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। तालिबान अफगानिस्तान जीत चुका है, लेकिन तालिबान के सामने अभी भी कोई खटक रहा है जिसके वजह से उसको डर लग रहा है। यही कारण है कि तालिबान किसी भी सूरत में अहमद मसूद से बातचीत करना चाहता है, और इसलिए तालिबान ने ईरान से गुजारिश की है कि वह अहमद मसूद से बात करवा दे। ये वही अहमद मसूद है जिन्होंने पंजशीर में तालिबान की चूल्हे हिला दी थी और तालिबान पंजशीर में हार रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने हवाई हमला कर अहमद मसूद को भागने पर मजबूर कर दिया, वरना तालिबान पहले भी अहमद मसूद से कांपता था और अब भी कांपता है, ये दुनिया जानती है। अगर ऐसा नहीं होता तो ईरान से तालिबान क्यों गुजारिश करता? इसका मतलब है कि तालिबान आज भी मसूद से कांपता है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ईरान में अहमद मसूद से तालिबानी विदेश मंत्री ने क्या बातचीत की। खबरों की माने तो तालिबान ने पंजशीर के विद्रोही नेता अहमद मसूद से ईरान में मुलाकात की है। अहमद मसूद के नेतृत्व में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के लड़ाके पंजशीर घाटी में अभी भी तालिबान के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं। तालिबान ने दावा किया है कि उसने हेरात के पूर्व गवर्नर से इस्माइल खान से भी मुलाकात की है। इस बीच एनआरएफ ने ऐसी किसी भी मुलाकात का खंडन किया है। तालिबान ने एक बयान जारी कर कहा कि उसके विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने अहमद मसूद से मुलाकात की है। मुत्तकी ने यह भी दावा किया कि सभी अफगान लोग अपने देश में वापसी के लिए आजाद हैं, जहां उनका स्वागत है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के दौरे पर पहुंचे तालिबानी विदेश मंत्री और मसूद के बीच ईरानी सेना ने मध्यस्थता करके मुलाकात कराई है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह ने इस संबंध में ट्वीट करके जानकारी दी है। जानकारी की माने तो ईरान अहमद मसूद और तालिबान के बीच समझौता कराना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को यह पसंद नहीं आ रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बातचीत ठीक नहीं है। इसी बीच विद्रोहियों का दावा है कि ऐसी कोई मुलाकात ईरान में अहमद मसूद और तालिबान के बीच नहीं हुई है। एनआरएफ के प्रवक्ता सिगबतुल्ला अहमदी ने कहा कि तेहरान में दोनों के बीच कोई भी मुलाकात नहीं हुई है। जानकारी देते चले कि तालिबानी विदेश मंत्री इस समय ईरान के अहम दौरे पर पहुंचे हैं। यहां पर एक और जानकारी दे दें कि इससे पहले बीते साल लड़ाई के दौरान तालिबानी आतंकियों ने अफगानिस्तान में विद्रोहियों के गढ़ पंजशीर घाटी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन खबरों की माने तो वहां पर आज भी लड़ाई हो रही है और विद्रोहियों ने तालिबान के दावे को खारिज किया था और कहा था कि वे अब भी पहाड़ों पर रणनीतिक रूप से अहम मोर्चे पर मौजूद हैं। इस बात की काट के लिए तालिबान ने एक वीडियो जारी करके कहा था कि उसके लड़ाके अहमद मसूद के घर में घुस गए हैं और डर कर अहमद मसूद ताजिकिस्तान भाग गए हैं और अब वहीं रह रहे हैं। लेकिन अब पता चल रहा है कि अहमद मसूद ईरान में हैं और ईरान तालिबान और अहमद मसूद में बातचीत करा रहा है। इसी बीच दुनिया भर में खबर बने, ईरान ने एक बात और साफ कर दी है कि बातचीत का मतलब ये नहीं कि ईरान तालिबान को मान्यता दे रहा है। बातचीत होनी चाहिए, ये ठीक है, लेकिन समर्थन देना अलग बात है। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान और तालिबान के बीच बातचीत का अंतर क्या है और क्या हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखने वालों का कहना है कि अहमद मसूद की सेना और अहमद मसूद तालिबान पर भारी पड़ रहे हैं और इसी कारण तालिबान बातचीत को मजबूर हुआ है और तालिबान ने ईरान से मदद ली है। देखना होगा कि आगे क्या होता है और क्या तालिबान अहमद मसूद को कोई बड़ा पद देता है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये बात तो तय हो गई है कि आज भी तालिबान मसूद से डरता है।